मऊ जिले की मधुवन विधानसभा सीट से पूर्व विधायक उमेश पांडे समाजवादी पार्टी छोड़कर गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। अपने भाई की हत्या के आरोपी को घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का टिकट मिलने से नाराज होकर उमेश पांडे ने गुरुवार को सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। पूर्व विधायक उमेश पांडे ने आरोप लगाया, ऐसे अपराधी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है जो लोगों की बोटी बोटी कटवा कर फेंक देता था। सत्ता उनकी थी, सरकार उनकी थी, हम लोग त्राईमाम कर रहे थे। हमारे भाई की नहीं हत्या हुई है, कलाम पंचर बनाने वाले उसके लड़के की पंचर का पैसा मांगने के लिए उसकी कलाम की घोसी में हत्या की गई है। अध्यक्ष जी है कि नहीं, बिल्कुल सच्चाई है कि नहीं, आप पता कर लीजिए। हमारे ही क्षेत्र मधुबन की एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसको बोटी बोटी काट करके नदी में फेंकवाने का भी काम इसी शख्स ने किया। करीब 18 साल पहले 2005 में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ब्लॉक ऑफिस के गेट पर बाहुबली सुधाकर के भाई ने उमेश पांडे के भाई की सरेआम हत्या कर दी थी। 18 साल पुरानी अदावत का पूर्व विधायक उमेश पांडे ने सुधाकर से ऐसा बदला लिया है जिसका प्रभाव अखिलेश भी महसूस कर रहे होंगे। घोसी उपचुनाव से ठीक पहले उमेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला तो मैंने बताया कि आपके दल में मेरे भाई का हत्यारा है, जिसके कहने पे मेरे भाई की जो वर्तमान में उस समय ब्लॉक प्रमुख थे अखिलेश पांडे जी, ज्येष्ठ प्रमुख रामबचन राम जी, पूर्व प्रधान गंगा राम जी, तीन लोगों की निर्मम हत्या दिन दहाड़े ब्लॉक परिसर घोसी में हुई। एक म्यान में दो तलवारें अध्यक्ष जी नहीं रह पाएंगे। आप कहेंगे कि उनको जिताओ तो मैं जिताने का काम नहीं कर सकता। अक्टूबर 2005 में मऊ में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा था। वो समय सपा और बसपा के साथ साथ बाहुबलियों के भी बढ़ते हुए वर्चस्व का दौर था। 18 साल पहले घोसी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर दो रसूखदार परिवार आमने सामने थे, उमेश पांडे और सुधाकर सिंह। दोनों के भाई ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। राजनीतिक लड़ाई में अचानक इतना ताप पैदा हुआ कि एक नहीं बल्कि दो दो हत्या हो गई। तब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, घोसी में सपा नेता और बाहुबली सुधाकर सिंह का रौब था। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सुधाकर का भाई भास्कर और उमेश पांडे का भाई अखिलेश पांडे दोनों प्रत्याशी थे। भास्कर ने अखिलेश पांडे की हत्या कर दी, उनके एक और साथी को भी गोलीकांड में मार दिया। उमेश पांडे ने अपने भाई की हत्या के बाद लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। सुधाकर सिंह की छवि भी बाहुबली वाली है, इसलिए गवाहों के मुकरने का डर था। हालांकि उमेश पांडे ने मुकदमे की पुरजोर पैरवी की और अपने मृतक भाई को इंसाफ दिलवाया। दोहरे हत्याकांड में करीब 10 साल केस चलने के बाद सुधाकर सिंह के भाई भास्कर को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उस सजा के बाद सुधाकर सिंह को भी झटका लगा, क्योंकि इससे पहले तमाम बड़ी घटनाओं में सुधाकर के परिवार पर कोई आंच नहीं आई थी। हालांकि उमेश पांडे उनके सामने नहीं झुके। भाई हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को अपनी व्यथा बताए, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, कल मैं उनसे मिला, अपनी बात रखा, उन्होंने कहा कि आप तुरंत ज्वाइन करो पार्टी, हम आपके हर सुख दुख में आपके साथ हैं। इसी बीच उमेश पांडे ने बसपा की सियासत शुरू कर दी। बसपा नेता के तौर पर उमेश पांडे के सियासी समीकरण सफल रहे। 2007 में मधुबन सीट से बीएसपी विधायक वो चुने गए। उमेश पांडे से पहले सुधाकर सिंह भी मधुबन विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। तब मधुबन सीट का नाम नत्थूपुरा हुआ करता था। मधुबन और घोसी अगल बगल की विधानसभा सीटें हैं। साल 2012 में उमेश पांडे और सुधाकर सिंह दोनों चुनाव जीते। 2012 में उमेश पांडे बीएसपी के टिकट पर मधुबन से दोबारा विधायक चुने गए। उधर घोसी विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर जीतकर सुधाकर सिंह विधायक बने। इसके बाद उमेश पांडे ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक चाल चल दी। जिस दल में के नेता की नियत पर शक हो जाए उस दल में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। मैंने उस दिन मन बनाया, जब उनसे कहा इस बात को, उन्होंने कहा कि बड़ी लड़ाई जीतने के लिए कुछ वो करना पड़ता है, उनके ठीक है, फिर मैंने नमस्कार किया और चल दिया। सुधाकर सिंह और उमेश पांडे दोनों विधायक के तौर पर घोसी और मधुबन में अपना अपना सियासी दमखम बढ़ाने और जमाए रखने का प्रयास करते रहते। उमेश 2005 में सुधाकर के भाई के हाथों अपने भाई को गवा चुके हैं। इसका बदला उन्होंने 2022 में मधुबन से उनका टिकट कटवा कर ले लिया। इसे सपा में सुधाकर सिंह के सियासी रसूख पर बड़ी चोट माना गया। उमेश पांडे का इस तरह से सपा छोड़कर बीजेपी में जाना सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए संदेश है
कि वो सुधाकर सिंह की वजह से पार्टी से गए हैं। इसलिए मैंने जब मैं देखा कि हमारे नेता की नियत में खोट है, मैंने रास्ता अपना बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। तो कार्रवाई नहीं हुई क्या अभी तक? कार्रवाई आजीवन कारावास की सजा हुई थी जी। सजा उन लोगों का आजीवन कारावास हुआ है, फिर आ गए हैं यहाँ पे, इस चुनाव में आ गए घर पे। अब देखिए क्या होता है, अब तो आ गया हूँ, कब न पता चलेगा क्या होता है। नहीं तो 50,000 से जीत रहे हैं, और जीत रहे हैं तो पता चलेगा 8 तारीख को कौन कितने पानी में। सुधाकर सिंह को 2022 में उमेश पांडे की वजह से मधुबन सीट से नामांकन वापस लेना पड़ा था। उस वक्त वो मन महसूस कर रह गए थे। अब सुधाकर सिंह अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। इसी समय उमेश पांडे ने घोसी उपचुनाव से पहले सपा का दामन छोड़ दिया है। सुधाकर सिंह ने 2022 में सपा में रहते हुए मधुबन सीट पर उमेश पांडे को हराने के लिए जोर लगा दिया था। घोसी विधानसभा सीट पर अब तक मुकाबला दारा सिंह चौहान यानी ओबीसी नेता और सुधाकर सिंह यानी सवर्ण नेता के बीच में था। उमेश पांडे के सपा में आने से पहले तक सुधाकर सिंह सवर्ण वोट बैंक को अपना मानकर चल रहे थे, लेकिन उमेश पांडे और बीजेपी दोनों का जोर इस बात पर होगा कि सपा के खाते में जाने वाले संभावित सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। उमेश पांडे ने अपने दोनों चालें मौका देखकर चली हैं। 2022 में चुनाव से ठीक पहले मधुबन से सुधाकर का टिकट कटवा दिया और अब घोसी उपचुनाव के बीच यहां से भी सुधाकर की सियासी दुकान पर ताला लगाने के लिए ताकत लगा रहे हैं।